लॉकडाउन में देखें तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है नई मुंबई के लिए रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर कंडीशन देखा तो उस पर भी काफी असर पड़ा डेवलपमेंट को लेकर। कैसे आप दोनों बड़ी परियोजनाओं को आप ड्राइव दे रहे हैं? देखिए, मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिखाल से सिडको का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में से ये दो होंगे। सो एज फार एज न्यू बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कंसर्न, इस पर हमने इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जैसी एयरपोर्ट, और इसमें जो कुछ जिम्मेदारियां सिडको की तरफ से थी और कुछ जिम्मेदारियां जो है वो दूसरे पार्टी की तरफ से। सो सिडको की जो जिम्मेदारियां हैं वो बेसिकली लैंड डेवलपमेंट का और लैंड एक्विजिशन का भाग था। तो मुझे खुशी है यहाँ बताने में कि लॉकडाउन था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन के फेज़ के बाद हमने मिशन बिगिन अगेन को चालू कर दिया है, और उसी तहत ऑलमोस्ट 99% ज़मीन जो है 99% ज़मीन अभी जो है एक्वायर कर चुके हैं हम लोग, और वहाँ का जो लैंड डेवलपमेंट का काम है वो भी करीबन 99% हो चुका है। सो अभी आप अगर गूगल अर्थ पर भी देखें तो आपको एक बहुत बड़ा एक रेक्टेंगुलर पैच ऑफ लैंड दिखेगा, जो कि वो लैंड जो है वो लैंड तैयार है। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि जो दूसरा पार्टी है दैट इज़ अ न्यू बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनकी क्या तैयारी है, उनका फाइनेंशियल क्लोजर कैसा होता है। अभी तक के ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली इंजीनियर और मैनेजिंग डायरेक्टर इनके बीच का एक प्रकल्प था, बट अभी एक आईएएस ऑफिसर को मैं अपॉइंट करूँगा एंड द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी लुकिंग आफ्टर दिस, स्पेशली आफ्टर द लैंड एंड रिहेबिलिटेशन इशूज। अब लैंड में जो है करीबन 99% लैंड जो है हमने एक्वायर कर लिया है, और एक्चुअली अगर हमारा ऑफिशियल स्टैंड देखें तो 4 हेक्टेयर लैंड सिर्फ एक्वायर करके देना है। लेकिन कोई भी प्रकल्प हो, जैसे इरीगेशन के कई सारे प्रकल्प हुए हैं, तो ये इशूज़ जो है उसमें रहता है, एंड दोज इशूज़ हैव टू बी हैंडल वेरी सेंसिटिवली। आखिर में ये सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो क्यों रहा है? ये तो हमारे पब्लिक के लिए ही हो रहा है, ये हमारे लिए ही हो रहा है। तो जो लोग वहाँ रहते थे उसको उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है, बिकॉज वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट से सबसे पहले तो वहाँ पे जॉब्स मिलता है। दूसरे वहाँ पे कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, तो जो लोग वो काम करते हैं उनको वो काम मिलता है। इस प्रकार से उस एरिया का ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी बहुत जोरों से बढ़ती है। सो देयरफॉर देयर विल बी एन ऑफिसर हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, और प्रकल्पग्रस्तों का जो विषय है वो ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा। आपका लक्ष्य क्या है सर इंटरनेशनल नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, कि पहली उड़ान की आप उम्मीद कब कर रहे हैं? पहली उड़ान की उम्मीद मेरे ख्याल से कब कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पहली नींव कब रखें, पहला काम हम कब करें। और उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई किया है जो सबसे पहले करना है। हमारी तरफ से हमें 100% ज़मीन जो है वो ज़मीन प्राप्त करनी है, और उससे बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, गांव के लोगों के छोटे छोटे डिमांड्स है, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ले लिया और वो निकले नहीं है। तो मैंने इसके लिए हमारे तरफ से एक स्पेशल एक जॉइंट MD को एयरपोर्ट का काम एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है कि ये सारे जो लैंड और रिहेबिलिटेशन के जो इशूज़ है उसको डील करना है। दूसरे तरफ से जो है कंसेशनर ने अपना फाइनेंशियल क्लोजर करना है। तो उसके लिए जो है अभी कंसेशनर के साथ हमारा डिस्कशन चालू है, एंड एज फार एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कंसर्न तो उसमें ना उसका काफ़ी डिटेल्ड ये है कि और उसमें काफ़ी अलग एजेंसीज है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन करके एक दूसरी एजेंसी है, एयरपोर्ट सेफ्टी का तीसरा एजेंसी है, IATA इज़ अ फोर्थ एजेंसी। तो उसमें सिडको इज़ एन एंटरप्रेन्योर, देर आर मेनी अदर एजेंसीज विच आर टू प्ले, एंड देयरफॉर आई थिंक वी शुड क्रॉस वन ब्रिज एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम शुड बी द मॉडल इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, एंड द फर्स्ट स्टेप एज आई सेड इज फाइनेंशियल क्लोजर एट दैट साइड, लैंड एक्विजिशन ऑन दिस साइड, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अब तक उम्मीद करें कि सिडको जो है नई मुंबईकरों को मेट्रो और